देख रहे हैं दखल न्यूज। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी। अपनी अभद्र टिप्पणी पर माफी मांगे आजम खान, नहीं तो होगी आजम खान के खिलाफ कार्रवाई। फिलहाल थमा कर्नाटक का नाटक, येदुरप्पा ने ली मुख्यमंत्री पद की शपथ। कारगिल विजय के 20 साल पूरे, सारे देश ने दी कारगिल के शहीदों को श्रद्धांजलि। छत्तीसगढ़ पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 1.5 करोड़ का गांजा पकड़ा गया। और बिजली बिल दे रहे लोगों को झटका, एक बत्ती जलाने वालों को मिला हजारों का बिल। नमस्कार, मैं हूं शेफाली, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। अब खबरें विस्तार से। समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। आजम खान की लोकसभा में की गई अभद्र टिप्पणी पर सदन में जमकर हंगामा हुआ। एक तरफ जहां भाजपा सांसदों ने आजम पर कार्रवाई की मांग की है, वहीं कांग्रेस ने मामला संसदीय कमेटी को भेजने को कहा है। खबर है स्पीकर ओम बिरला आजम खान से महिला सदस्यों का गुस्सा शांत करने के लिए माफी मांगने के लिए कहेंगे। अगर आजम खान ऐसा नहीं करेंगे तो स्पीकर उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। आजम खान को अपनी अभद्र टिप्पणी के लिए लोकसभा में माफी मांगना पड़ेगी, और अगर आजम खान ऐसा नहीं करते हैं तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। इसके पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने आजम खान पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी टिप्पणी सदन को शर्मसार करने वाली है। स्मृति यही नहीं रुकी, उन्होंने कहा कि आजम खान सभी पुरुष सांसदों के नाम पर धब्बा है। सदन में सत्ता पक्ष के सांसदों और मंत्रियों ने आजम खान को घेरने में कसर नहीं छोड़ी। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आजम खान की टिप्पणी को आपत्तिजनक बताते हुए उनसे माफी मांगने की मांग की। वहीं अनुराग ठाकुर ने तंज कसते हुए कहा कि आजम सदन के बाहर भी महिलाओं से अभद्र व्यवहार कर चुके हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उनकी टिप्पणी को निंदनीय बताया है। वहीं सांसद अधीर रंजन चौधरी ने इस मामले को संसदीय कमेटी के पास भेजने की बात कही। उन्होंने कहा संसदीय कमेटी का निर्णय मंजूर होगा। शुक्रवार को कई पार्टियों की महिला सांसदों ने सदन में आजम खान के बयान की निंदा की और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से एक्शन लेने की मांग की। इस मामले पर स्पीकर की अगुवाई में बैठक हुई, जिसमें सांसद दानिश अली, सुप्रिया सुले, अधीर रंजन चौधरी और अन्य पार्टी के नेता शामिल रहे। इसके अलावा टीडीपी के सांसद जयदीप गल्ला और डीएमके सांसद कनिमोझी भी इस बैठक का हिस्सा बने। कई महिला सांसदों ने लिखित में शिकायत करते हुए आजम खान को सस्पेंड करने की मांग की है। बीजेपी नेता बीएस येदुरप्पा ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में एक बार फिर शपथ ली। कर्नाटक में कुमारस्वामी सरकार गिरने के बाद अब आज अचानक से घटनाक्रम तेज हुआ और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बीएस येदुरप्पा राज्यपाल वजूभाई वाला से मिलने राजभवन पहुंचे थे और उन्होंने सरकार बनाने का दावा पेश किया था। कर्नाटक का राजनीतिक नाटक फिलहाल थम गया है। कर्नाटक बीजेपी के अध्यक्ष बीएस येदुरप्पा ने राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। राजभवन में राज्यपाल वजूभाई वाला ने येदुरप्पा को शपथ दिलवाई। दिल्ली से इशारा मिलने के बाद बीएस येदुरप्पा ने सुबह राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा किया था और दोपहर में शपथ ग्रहण करने की मंशा जाहिर की थी, लेकिन राज्यपाल ने उन्हें शाम तक का समय दिया था। दक्षिण के राज्य कर्नाटक में उन्होंने पहले भाजपा की पहचान बनाई। येदुरप्पा ने अपने सियासी सफर की शुरुआत संघ की शाखाओं से की और उसके बाद अपनी जुझारू छवि के बल पर उन्होंने भाजपा में जगह बना ली। वे 1975 में आपातकाल के दौरान वे शिवमोगा और बेल्लारी की जेल में 45 दिनों तक बंद रहे। 1977 में उनको जनता पार्टी का सचिव बनाया गया और 1983 में पहली सियासी जीत दर्ज कराते हुए कर्नाटक में विधायक बने। 2007 में राष्ट्रपति शासन के बाद येदुरप्पा को मुख्यमंत्री बनाया गया, लेकिन
मंत्रालय को लेकर मतभेद के बाद जेडीएस ने फिर से समर्थन वापस ले लिया। साल 2008 में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा ने बहुमत हासिल किया और येदुरप्पा को सीएम बनाया गया। इस चुनाव में येदुरप्पा ने पूर्व सीएम एस बंगरप्पा को हराया था। येदुरप्पा का ये कार्यकाल विवादित रहा। उनका कथित भूमि और खनन घोटाले में नाम आया और उनको इस्तीफा देना पड़ा। इसके साथ ही उनके दोनों बेटों को भी इस मामले में दोषी ठहराया गया था। लोकायुक्त की रिपोर्ट में येदुरप्पा को दोषी पाया गया और उनको जेल जाना पड़ा। येदुरप्पा ने 2012 में विधायक और भाजपा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद कर्नाटक जनता पक्ष के नाम से एक नई पार्टी शुरू की, लेकिन 2014 लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी का भाजपा में विलय कर दिया। इस तरह येदुरप्पा ने चौथी बार कर्नाटक से मुख्यमंत्री की शपथ ली। कारगिल में पाकिस्तान की गलती को 20 साल पूरे हो चुके हैं और पूरा देश आज अपने शहीदों को नमन कर रहा है। जहां प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी और कारगिल में जवानों के साथ बिताए वक्त को याद किया, वहीं शहीदों को राष्ट्रपति और सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख रामनाथ कोविंद ने कारगिल विजय दिवस पर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित की। कारगिल विजय दिवस पर द्रासवार मेमोरियल में होने वाले कार्यक्रम में शामिल होने का राष्ट्रपति का कार्यक्रम खराब मौसम की वजह से रद्द हो गया। इसके बाद राष्ट्रपति श्रीनगर के बदामी बाग कंटोनमेंट में हो रहे कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे और शहीदों को श्रद्धांजलि दी। थलसेना अध्यक्ष जनरल विपिन रावत, वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल बीएस धनोआ और नौसेना प्रमुख एडमिरल करमवीर सिंह ने भी द्रास में शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं कारगिल दिवस के मौके पर कारगिल में शहीद हुए परमवीर चक्र से सम्मानित मेजर विक्रम बत्रा के पिता ने कहा कि सरकार कठोर कदम उठा रही है क्योंकि पाक अब भी घुसपैठ का समर्थन कर रहा है। मैंने सरकार को खत लिखा है कि दिल्ली में सड़कों के नाम शहीदों के नाम पर होने चाहिए। वहीं शहीद कैप्टन सौरव कालिया के पिता एनके कालिया ने कहा कि जिस तरह भारत ने उरी और पुलवामा हमले के अलावा कैप्टन अभिनंदन को पकड़े जाने के बाद जो कठोर कदम उठाए, इस तरह की कार्रवाई अगर 1999 में की गई होती तो हमारे जवानों के साथ पाक बुरा बर्ताव नहीं कर पाता। कारगिल विजय दिवस पर जहां पूरे देश में आयोजन हो रहे हैं, वहीं सोशल मीडिया में भी शहीदों को नमन किया जा रहा है। लोग एक के बाद एक ट्वीट करते हुए भारतीय सेना के शौर्य को याद करते हुए युद्ध में शहीद हुए जवानों को सलाम कर रहे हैं। दो बीजेपी विधायकों के कांग्रेस के समर्थन में आने से मंत्रियों ने मुख्यमंत्री कमलनाथ का यशगान शुरू कर दिया है। एमपी के पीएचई मंत्री सुखदेव पांसे ने कहा कि एक तरफ मुख्यमंत्री कमलनाथ की कार्यशैली तो दूसरी तरफ बीजेपी का झूठ, ये दोनों ऐसे कारण रहे कि विधायक कांग्रेस से जुड़ रहे हैं। पीएचई मंत्री सुखदेव पांसे ने कहा कि मुख्यमंत्री कमलनाथ की कार्यशैली बहुत ही आकर्षक है, जिससे बीजेपी के विधायक भी प्रभावित हो रहे हैं। बीजेपी ने विधायकों को जो सपने दिखाए थे वो कभी पूरे नहीं किए गए, जिसके चलते अपेक्षाओं के शिकार हुए विधायक कांग्रेस में आ रहे हैं। पांसे ने कहा कि अभी तो दोनों विधायकों की ये घर वापसी है, उनका स्वागत है और वो कमलनाथ जी जैसे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में अपने क्षेत्र का विकास करना चाहते हैं। माननीय कमलनाथ जी विधायकों की भावना को समझते हैं, उनके दर्द को समझते हैं, उनकी क्षेत्र की परेशानियों को समझते हैं, दिक्कतों को समझते हैं और उनका तत्काल माननीय कमलनाथ जी निराकरण करते हैं। इसलिए हर विधायक ये चाहता है कि उसकी क्षेत्र की समस्याओं को निराकरण करने वाला, उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने वाला मुख्यमंत्री अगर कोई है तो आदरणीय कमलनाथ जी है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी में जो उपेक्षा हो रही थी विधायकों की, उसके कारण माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में अब भारतीय जनता पार्टी के विधायक कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। कछुआ चाल की कहावत तो आपने कई बार सुनी होगी। यथार्थ में खुद कछुओं पर यह कहावत पहली बार सच साबित होती दिखाई दे रही है। न्याय की कछुआ चाल से इंसान तो क्या, खुद कछुए भी परेशान है। कोर्ट की लंबी तारीखों और पेशी के कारण आपने इंसान को बरसों फैसले का इंतजार करते देखा होगा, लेकिन ये कहानी उन तीन कछुओं की है जो रिहाई का फैसला आने के इंतजार में 4 साल से एक पानी की टंकी में जीवन गुजारने पर मजबूर हैं। जब तक कोर्ट से रिहाई के फैसले की कॉपी वन विभाग तक नहीं पहुंचती, इन्हें यहीं रहना पड़ेगा। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, ये फिल्मी डायलॉग जरूर है, मगर सच तो ये है कि कछुए भी इन तारीखों का शिकार हुए हैं। दरअसल ये कछुए राजनांदगांव के फॉरेस्ट डिपो में सितंबर 2015 से रखे गए हैं, जिनकी निगरानी में एक डिप्टी रेंजर सहित वन अमले के 4 कर्मचारियों को लगाया गया है।
जो 24 घंटे इन कछुओं की निगरानी करते हैं। इन कछुओं को बसंतपुर पुलिस ने 6 आरोपियों से बरामद किया था, जो तंत्र मंत्र से नोट की बारिश करने के अंधविश्वास में इन्हें लेकर आए थे। पुलिस ने दबिश दी और सभी 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनके साथ बतौर साक्ष्य इन 4 कछुओं को रखा गया, जिसमें से कुछ दिन बाद 4 में से एक कछुए की मौत हो गई थी। मामले में आरोपियों को तो कोर्ट से जमानत मिल गई, लेकिन ट्रायल जारी है। ऐसे में कभी भी इन कछुओं को बतौर साक्ष्य प्रस्तुत करना पड़ सकता है। इसके लिए 2015 में बरामद किए गए इन कछुओं को अब तक वन विभाग की निगरानी में रखा गया है। कछुओं को बचाए रखने के लिए दाना पानी का खर्च भी अधिकारी उठा रहे हैं। 2014 के आसपास कुछ पुलिस वालों के द्वारा उसको जब्त किया गया था और लाके दिया गया था, और उसको सुरक्षित रूप से रखा गया है डिपो में, देखभाल उनकी की जाती है। और चूंकि कोर्ट से संबंधित केस है, इसीलिए उनका डिस्पोजल या फिर जो भी उसका निराकरण किया जाना था, हालांकि जीवित चीज है इसलिए ध्यान यहीं पे रखा जा रहा है, लेकिन चूंकि कोर्ट के अभिलेखों में वो आ जाएगा, साक्ष्य के रूप में आ जाएगा, इसीलिए उसका अभी उसको जंगल में नहीं छोड़ा गया है। एक ऐसी सूचना मिली थी कि नागपुर के कुछ लोगों ने यहाँ बसंतपुर के किसी व्यक्ति को जो है कुछ कछुए बेचे हैं। कछुए किस निमित्त लिए गए थे, किसी प्रयोजन से कुछ सिद्धि प्राप्त करने के लिए यह नहीं कहा जा सकता, लेकिन चूंकि वन्य प्राणी था इसलिए पुलिस के द्वारा उसमें वन्य प्राणी अधिनियम की कार्रवाई करके और कछुओं को सुरक्षित वन विभाग को सौंपा गया है। पूरा प्रकरण वन विभाग के पास में, वन विभाग ही बता पाएगा कछुए वर्तमान में कहाँ है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत इन जीवों को संरक्षित रखना है। जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता तब तक कानूनी तौर पर वन विभाग को इन कछुओं को अपने पास रखना पड़ेगा। नहीं तो वो तो शासन की संपत्ति है, ये तो वन विभाग को चाहिए कि वो जो जो क्या कहते हैं म्यूजियम बने हुए हैं उसको सुपुर्द कर दे, और वो तब तक सुपुर्दगी भी रहेंगे और उसकी स्टेटस रिपोर्ट या वो कछुए जो हैं यदि उन्होंने भेज दिया है तो उसकी रिपोर्ट तो उनको शासन को देनी होगी, कोर्ट को देनी होगी, और यदि फैसला हो जाता है उसके बाद में वो प्रॉपर्टी शासन की होगी और वो म्यूजियम से जो है अब वो जैसा चाहे उपयोग जो है फिर वो म्यूजियम के अधिकारी जो है उसको करने के लिए शासन के निर्देशानुसार सक्षम रहेंगे। आज के आधुनिक युग में जब हम चांद तक पहुंच चुके हैं तब भी देश के कुछ लोग अंधविश्वास टोने टोटके तंत्र मंत्र के जाल में फंसे हुए हैं। अंधविश्वास के चलते लोग आज भी ऐसे वन्य जीव और जंतुओं को तंत्र विद्याओं में उपयोग करते हैं और इन बेजुबान जानवरों की बलि भी दी जाती है। लोग अंधविश्वास और पैसों के लालच में इतने अंधे हो चुके हैं कि उनको अपने स्वार्थ के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता है। छत्तीसगढ़ पुलिस का शिकंजा लगातार गांजा तस्करों पर कसता जा रहा है। ऐसे में गांजा तस्करों का बचकर निकलना संभव हो चुका है। पुलिस ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग 1.5 करोड़ रुपए का अवैध गांजा जब्त किया है। साथ ही गांजा परिवहन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है ट्रक और आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। लगातार हो रही कार्रवाई से खुश होकर के बस्तर के आईजी ने कोंडागांव पुलिस को 20,000 रुपए का इनाम भी दिया है। यह कार्रवाई कोंडागांव एसडीओपी कपिल चंद्रा और सिटी कोतवाली कोंडागांव की ओर से की गई थी। बता दें इसके 2 दिन पहले भी फर्सगांव पुलिस ने भी लगभग 52 किलो गांजा बरामद किया था। जानकारी अनुसार कोंडागांव एसडीओपी कपिल चंद्रा को मुखबिर से सूचना मिली थी कि जगदलपुर की ओर से ट्रक क्रमांक MP09HG5792 से कुछ लोग अवैध गांजा लेकर रायपुर की ओर जा रहे हैं। सूचना के चलते पुलिस अधीक्षक सुजीत कुमार के निर्देश और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनंत साहू के मार्गदर्शन पर एसडीओपी कपिल चंद्रा ने सिटी कोतवाली पुलिस दल के साथ ट्रक को नारायणपुर तिराहा के पास रोका। ट्रक की तलाशी लेने पर इसमें से लगभग 1709 किलो अवैध गांजा बरामद हुआ। ट्रक चालक संतोष गाड़वाल को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है। समय ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से,
सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। From quality education to 100% placement assistance, student gets everything at LNCT University. इसीलिए LNCT University है most trusted name among students. Admissions open for UG and PG. Choose the best to be the best. LNCT University. Log on to lnctu.ac.in. आप देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और खबर एक ऐसे गांव की है जहां लोग दूध बेचते नहीं हैं, देने से मना भी नहीं करते, फ्री में दे देते हैं। सुनने में भले ही आश्चर्य होगा पर यह हकीकत है। इस गांव में 90% ग्वाले रहते हैं जिनके पास हजारों गौवंश हैं, मगर यहां दूध का व्यापार नहीं किया जाता। कोई दूध लेने आए तो फ्री में ही दे दिया जाता है। चूड़िया गांव में चली आ रही परंपरा के अनुसार इस गांव में दूध का व्यापार करने वाले बर्बाद हो जाते हैं। एक सदी पहले गांव के संत ने दूध नहीं बेचने का फैसला लिया था, जिसे गांव वाले आज भी निभा रहे हैं। मध्य प्रदेश के बैतूल में एक ऐसा गांव है जहां दूध नहीं बिकता। आपको सुनकर आश्चर्य होगा पर यह हकीकत है। इस दौर में जहां पानी भी मुफ्त में नहीं मिलता, वहीं ग्वालों का एक ऐसा गांव भी है जहां मुफ्त में दूध मिलता है, और वो भी जितना चाहे उतना, क्योंकि इस गांव में सदियों से दूध बेचना प्रतिबंधित है, जबकि गांव में 90% ग्वाले रहते हैं। यहां लोग दूध के बदले पैसे लेने के बारे में सोचते भी नहीं हैं। बैतूल के इस अनूठे गांव का नाम है चूड़िया, जहां लगभग एक सदी से ये अजब गजब परंपरा चली आ रही है। इस गांव के हर घर में पालतू मवेशी हैं और रोजाना सैकड़ों लीटर दूध उत्पादित होता है, लेकिन आखिर क्यों ये लोग दूध मुफ्त में बांटते हैं और क्यों ये दूध बेचकर लखपति बनने से डरते हैं? असल में एक किंवदंती के मुताबिक सन 1912 में इस गांव में चिन्हिया बाबा नाम के एक संत रहा करते थे, जो एक बड़े गौसेवक थे। उन्होंने ग्रामीणों को सीख दी कि दूध में मिलावट करके बेचना पाप है, इसीलिए गांव में कोई दूध नहीं बेचेगा और लोगों को दूध मुफ्त में दिया जाएगा। संत चिन्हिया बाबा की बात पत्थर की लकीर बन गई और इसके एक सदी बाद आज भी चूड़िया गाँव में दूध मुफ्त मिल रहा है। ये हमारे समाज के यादव समाज के है, अब साधु परिवार का है। ये पहले गाय चराता था, गाय बांध के यार एकदम सिंगाजी जाते थे, संजा आरती में जाके वहाँ शामिल होके यार सवेरे आके ढोर भी छोड़ देता था। सिंगाजी यहाँ से लगभग कम से कम 40 कोस है। गांव में रहते थे यार, वो ढोर चराने जाते तो नौकर लोग रहते थे, कोरकू था उनका दोस्त कालू राम नाम का, वो शक्कर रेत दे देता तो शक्कर बन जाता, मिट्टी का ढलपा दे देता तो गुड़ बन जाता, ऐसे मतलब कई चमत्कार दिखाते थे। और दूध दो चीज़ बेचना सख्त मना है, जिसने बेचा वो भी बर्बाद हो गया, और जिसने एक टाइम भी बेचा लेकिन उसके पास धन नहीं रहा, फिर ना दूध मिलते खाने को। भाई जो भी बीमारी आजारी में जो भी आते हैं हमारे घर में, तो उनको हम बिगर पैसे से देते हैं। मतलब कोई बोलते कि यार हमारे को दूध चाहिए तो हम वैसे दे देते, मतलब पैसे नहीं लेते। जी हाँ, बताते हैं हमारे यहाँ से गांव में कई लोगों ने पहले जैसे दूध बेचने का प्रयास किया तो उसके जानवर मर जाते हैं या दूध में कीड़े पड़ते हैं, बाद में उसके घर में मतलब दूध नहीं होता, वो चाय के लिए भी दूध फिर मोहताज हो जाता है। तो ये नुकसानी होती है दूध वहीं बेचने से कि गाय भैंस नहीं पलती है, वो जानवर मर जाते हैं हमारे। इसलिए बाबा की परंपरा को पूरे गाँव में सभी वर्ग सभी समाज के लोग चलाते हैं और आज फ्री में दूध वितरण होता है हमारे गाँव में। गांव के पुरोहित शिवचरण यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि गांव के संत चिन्हिया बाबा ने सदियों पहले गांव में दूध और उससे बनने वाली सभी वस्तुएं, आम और अन्य फलों को बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया था,
तभी से चुड़िया गांव में कोई भी चिंधिया बाबा की बनाई इस परंपरा को नहीं तोड़ता है और जो भी ग्रामीण इस परंपरा को तोड़ता है वो बर्बाद हो जाता है। गांव की सबसे बड़ी हैरत की बात यह है कि यहाँ 90% ग्वाले रहते हैं जिनके पास हजारों गौवंश हैं। ये चाहें तो रोजाना सैकड़ों लीटर दूध बेचकर बड़ा मुनाफा कमा सकते हैं, लेकिन परंपराओं ने इनके दिल से लालच को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। ऐसा कहा जाता है कि जिसने भी यहाँ दूध का व्यापार करने की कोशिश की वो बर्बाद हो गया, इसीलिए यहाँ दूध बेचने का ख्याल भी किसी को नहीं आता। हमारे यहाँ बुजुर्ग बताते हैं कि संत श्री चिंधिया साध बाबा थे हमारे गाँव में, जिन्होंने हमारे यहाँ दूध दही मही या आम सभी कुछ बेचने से मना करके गए हैं। और कार्तिक पूर्णिमा पर उनका 2 दिनों का मेला लगता है जिसमें भी हमारे यहाँ के सभी लोग चढ़ बढ़ कर कार्यक्रम में भाग लेते हैं और कार्यक्रम होता है यहाँ पर और 2 दिनों का मेला लगता है। हाँ, बाहर से भी लोग आते हैं, रामसत्ता कार्यक्रम होता है, 2-3 जिले के मंडले आती है। ये हमारे यहाँ एक संत ने जन्म लिया था जिसका नाम था चिंधिया साध बाबा, जिन्होंने सन 1912 में समाधि ली। उन्होंने ये कह के गए थे कि भाई दूध मत बेचना, और आप तो दूध बेचोगे तो घर में सोए रह जाएंगे, आपकी पत्नियां चिचोली नज़दीक है, पानी मिला के दूध बेचेंगे और तेली करार के दरवाज़ा खटखट आएंगी, इसलिए आप दूध मत बेचना, दूध खाओ और खिलाओ। बताया गया कि भाई अपने गाँव में जो संत की समाधि है सिंधिया साध बाबा की, वो मना करके गए थे। और गांव में अपने दूसरे गांव में जाके देखा कि भाई वहाँ दूध का धंधा हो रहा है, दूध से अच्छी कमाई हो रही है, वो चीज़ जाके घर में भी बोला तो घर में साफ मना कर दिया गया कि दूध अपने गांव में नहीं बिकता, नहीं बेचना भी। और जिन लोगों ने बेचा है वो बर्बाद हो चुके हैं, यानी उनके यहाँ जानवर नहीं रहते, कुछ भी नहीं है, आर्थिक परेशानी हर तरीके से, नहीं खुद के लिए भी दूध नहीं हो पाता है। और आज नहीं, जिनने 20 साल पहले बेचा, बताया लोगों ने कि 20 साल पहले जिसने दूध बेचा था उनके घर में आज 20 साल बाद भी दूध नहीं हो रहा, जानवर भी लाते तो भी नहीं रह पाते। कांग्रेस आई बिजली गई के बाद अब एक नई कहावत लोगों ने बोलना शुरू कर दी है कि कांग्रेस आई और हजारों का बिल लाई। कांग्रेस की नई सरकार बनने के बाद बिजली विभाग सर्वाधिक चर्चा में है, कभी घंटों बिजली गुल को लेकर तो कभी हजारों के बिल के लिए। अब बिजली विभाग का नया कारनामा सामने आया है, जो मीटर बंद पड़े हैं उनका हजारों का बिल लोगों को थमाया जा रहा है। इतना ही नहीं, जो एक बत्ती के कनेक्शन है उनका हजारों का बिल उपभोक्ताओं के पसीने निकाल रहा है। जबलपुर MPEV बिजली विभाग के कई मामले उजागर होते रहते हैं, मगर इस बार तो MPEV ने हद ही कर दी है। उपभोक्ताओं के घर बंद पड़े बिजली मीटरों के हजारों रुपयों के बिल भेजे जा रहे हैं। विजय नगर में रहने वाले पंडित पूरी आनंद ने बताया कि मेरे घर में सिर्फ एक LED जलाता हूं, वो सिर्फ रात में चलती है, दिन भर मैं मांग कर जीवन व्यतीत करता हूं, उसके बाद भी बिजली विभाग द्वारा 2-2 हजार रुपए के बिल लगातार भेजे जा रहे हैं। अधिकारियों को बताने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, उल्टा धमकी देकर पूरा बिजली बिल जमा करने की बात कही जाती है। पूरा कर रहे हैं, बिल को कर रहे हैं, 3-4 हजार बिल भेज रहे हैं, 5-5 बच्चे हैं, दवाइयों के पैसा नहीं जड़ पा रहे, बिल को भेजे कि खावे को पूरा करे, कावे पूरा करे, कहाँ से बिल ले जाए हमारे भरवे के लाने बता। 200 में बिल लगाए थे, अब तुम 3 हजार भेज रहे, 4 हजार गरीब आदमी कहाँ से बिल दे हमें जी बताओ। हमारे यहाँ नहीं है बिल, भले तो मीटर पटा के ले जाओ, हम डब्बी जला लेंगे, चाहे कैसे कर लेंगे, मोबाइल जला के खाना बना लेंगे, सुवा लेंगे बच्चे, लेकिन इतना बिल हम नहीं भर पाएंगे, बिल नहीं देंगे। और एक महीने से कंप्लेन हम लोग कर रहे हैं कि डेली फोन वहाँ करते हैं कि यहाँ लाइट नहीं है, आप आकर वो लाइट जोड़ दो, तो बोलते हैं ठीक है धन्यवाद आपने फोन किया, इतना बोल देते नहीं है। मुख्यमंत्री जनकल्याण संबल योजना के तहत 200 रुपए बिजली बिल वाले मीटर MPEV ने लगाए थे, लेकिन उसके बाद भी बिजली विभाग हर महीने अनाप शनाप बिल जारी कर रहा है। हर महीने 5 से 10 हजार का बिजली बिल MPEV विभाग भेज रहा है, जबकि हम गरीब लोगों के यहाँ मात्र बल्ब ही जलता है, बिजली विभाग बिना रीडिंग के ही हजारों के बिल भेज देता है। इस महीने बिजली बंद पड़ी थी, उसके बाद भी 4 हजार बिल भेज दिया गया। जब लाइट जोड़ने को कर्मचारियों से बोला तो कोई नहीं सुनता है और कोई बिजली चोरने भी नहीं आता।
नहीं है इस समय लाइट के लिए तो विशेष ध्यान रखा जा रहा है और स्पेशल स्कीम्स लगाई हुई हैं, रात को भी ध्यान रखते हैं। ऐसी कोई शिकायत हमारे पास नहीं आई है कि उनके यहाँ महीने भर से लाइट नहीं है और जो है बिल आ रहा है कटे हुए होंगे और उसके बाद भी कंटिन्यूटी में चार्ज के बिल आएंगे। अगर वो पेमेंट कर देंगे तो लाइन चालू हो जाएगी और मिनिमम चार्ज के बिल जारी रहेंगे। नहीं 1500 से 2000 में ही जो भी मिनिमम चार्ज के रेट है वही बनाएंगे, बाकी 0 यूनिट का बिल। इस मामले में एमपीवी अधिकारी सुनील तिवारी ने अपना पल्ला झाड़ते हुए कहा कि ऐसा कोई शिकायत नहीं आई है, जबकि इस समय बिजली को लेकर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अगर किसी का मीटर बंद पड़ा है तो 0 यूनिट के हिसाब से ही बिल जारी किया जा रहा है। हरा भोपाल शीतल भोपाल अभियान से अब सभी स्कूल के बच्चे सीधे जुड़ रहे हैं। बच्चों को पर्यावरण को लेकर जागरूक करने के लिए हरित शाला पखवाड़ा शुरू किया गया है, जिसमें विद्यार्थियों और शिक्षक वृक्षारोपण कर रहे हैं। संत हिरदाराम नगर में हरित शाला पखवाड़ा अभियान के तहत अमर शहीद हेमू कालानी शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय एवं सुचिता कृपलानी शासकीय बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में शिक्षकों छात्र छात्राओं के साथ शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने वृक्षारोपण किया। शिक्षा विभाग के संयुक्त संचालक RS तोमर ने बताया कि हरित शाला पखवाड़े में भोपाल जिले में संचालित सभी स्कूलों के बच्चे तथा उनके पालकों की भी इस अभियान में सहभागिता होगी। अभियान में 40,000 पौधे रोपण का लक्ष्य रखा गया है। तो आपने आज देखा होगा कि यहाँ जो गर्ल्स हायर सेकेंडरी बैरागढ़ है, इसमें कितनी बड़ी संख्या में गर्ल्स ने पौधारोपण का काम किया है। इसी प्रकार बैरागढ़ और पंदा संकुल और हायर सेकेंडरी गांधीनगर, इनके अंतर्गत आने वाले सभी सरकारी प्राइवेट स्कूल वो पौधारोपण कर रहे हैं। साथ ही बच्चों को भी प्रेरित किया गया है स्कूलों द्वारा कि वो भी अपने अपने घर में एक एक पौधा लगाएं। वृक्षारोपण में स्कूल प्राचार्य एवं जोन प्रभारी यास्मीन कौसर ने बताया कि स्कूल में प्रत्येक विद्यार्थियों को अपने घर पर एक पौधा लगाने के लिए प्रेरित किया जाएगा और प्रमाण के रूप में उनका चित्र विद्यालय में लाना होगा। विद्यालय में छात्र स्वयं का पौधा भी साथ लाकर लगा सकते हैं, साथ ही अपना तथा अपने परिजनों के नाम का टैग पौधे पर लगाकर उनकी स्वयं देखभाल कर सकेंगे। यदि विद्यालय में पौधा लगाने की पर्याप्त जगह नहीं है तो विद्यालय के आसपास के सार्वजनिक स्थल, अन्य विद्यालय, अन्य सुविधाजनक स्थल पर पौधारोपण किया जा सकेगा। भोपाल में तो ये मैं जोन प्रभारी भी हूँ, तो जोन के अंतर्गत आज हरा भोपाल शीतल भोपाल के अंतर्गत वृक्षारोपण कार्य संपन्न कराया जा रहा है। जोन के अंदर एक तो कन्या बैरागढ़ स्कूल है, दूसरा बालक बैरागढ़ स्कूल है, तीसरा गांधीनगर स्कूल है और चौथा फंदा सर्कल ऐसे और रातिभर सर्कल, 5 सर्कल के अंतर्गत वृक्षारोपण का कार्य संपन्न कराया जा रहा है, जिसमें कि 94 स्कूल के सभी छात्र एक साथ वृक्षारोपण का कार्य संपन्न करवाएंगे। पुराने विवाद के चलते एक युवक ने शराब के नशे में दोस्त पर गोली चला दी। आरोपी पर पुलिस ने हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर कारतूस और देसी पिस्तौल के साथ उसे गिरफ्तार कर लिया है। छतरपुर के लवकुशनगर थाना पुलिस ने दोस्त पर जानलेवा हमला करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी अमित निगम और उसके दोस्त नृपत सिंह ने पहले शराब पी और बाद में अमित ने कट्टे से नृपत पर फायर कर दिया। फायर होने पर नृपत नीचे झुक गया, जिससे गोली दीवार पर जा लगी। पुलिस ने आरोपी पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने बताया कि कुछ महीने पहले दोनों का किसी बात पर विवाद हुआ था, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई की थी, लेकिन बाद में दोनों का समझौता हो गया था। कयास लगाए जा रहे हैं कि इसी खुन्नस को लेकर अमित ने दोस्त पर जानलेवा हमला किया होगा। ये खुनिया यादव के जो है उकसावे में आकर के उसने इसको शराब पिलवाई और दोनों ने शराब पी और जो है इसने कट्टे से उसको जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया। वो लड़का सचेत था, इसलिए जो है वो नीचे झुक गया और जिससे वो बच गया। इसके खिलाफ में अपराध क्रमांक 299/19 भारत 307 IPC के अंतर्गत और 2527 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया है। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में तेजी से नक्सलियों के खिलाफ सर्चिंग चल रही है। इस सर्चिंग में पुलिस को नक्सलियों का डंप सामान मिला है। इसमें तमाम सामान के साथ कुकर बम भी बरामद किया गया है। नक्सल मोर्चे पर तैनात पुलिस को राजनांदगांव जिले में नक्सलियों के खिलाफ लगातार सफलता मिल रही है। जिले के छुई खदान थाना क्षेत्र में पुलिस ने नक्सलियों के डंप को जब्त किया। पुलिस को कौरवा कैंप के समीप नक्सलियों के द्वारा सामान छुपा के रखे जाने की सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर DRG और पुलिस की संयुक्त टीम सूचना स्थल पर सर्चिंग के लिए पहुंची, जहां पर पुलिस ने जमीन के नीचे नक्सलियों के द्वारा रखे गए सामान को बरामद किया।
वहाँ का संयुक्त पार्टी कोरबा और ढूंटागढ़ के बीच पहाड़ी जहाँ हमेशा मौजूदगी रहता है नक्सलियों के, ऐसे जानकारी मिली थी, वहाँ भेजे थे सर्चिंग के लिए। सर्चिंग के दौरान 150 लीटर के प्लास्टिक ड्रम में माओवादियों का डंप किया हुआ सामान मिला है, जिसमें प्रेशर कुकर है जो आईडी के रूप में उपयोग में लाते हैं, कोडेक्स वायर है, दवाई है और दैनिक उपयोग के सामान बरामद हुए हैं। नक्सलियों ने लगभग 250 लीटर के एक प्लास्टिक बैग में सारा सामान गाड़ कर रखा था। माना जा रहा है कि नक्सली किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए सामान को डंप कर रहे थे। पुलिस के हाथ लगे डंप में कुकर, बम के अलावा इलेक्ट्रॉनिक वायर, दवाइयां, एक टिफिन और काफी मात्रा में नक्सली साहित्य बरामद हुआ। संत हिरदाराम नगर में रेलवे की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर रहे लोगों ने उस वक्त हंगामा कर दिया जब नाली निर्माण के लिए कुछ लोगों के अवैध कब्जे हटाए गए। इस दौरान अवैध कब्जा करने वाले लोग रेल अधिकारियों को धमकाते हुए नजर आए। संत हिरदाराम नगर में रेलवे की जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो रेलवे की एक नाली तक का निर्माण नहीं करने दे रहे हैं और सरकारी काम में बाधा पैदा कर रहे हैं। रेलवे के अमले ने नाली पर कब्जा कर रहे कुछ निर्माणों को हटाया तो इन अवैध कब्जेधारियों ने हंगामा खड़ा कर दिया और कहा, हम बरसों से यहाँ रह रहे हैं, नाली कहीं और बनाओ। हैं हम लोगों ने कहा हाँ ठीक है, अब ये आए अचानक, थोड़े छोटे छोटे बच्चे हमारे कहाँ जाएंगे, बर्तन मांजती है सिंधियों के, जब बच्चों को बोल रहे एक ही कमरा, दो चार कमरा होते अंदर की साइड में तो फिर बना लेते। हाँ ये पता तो था, तो हमें थोड़ी ना मालूम, तो पहले 40 साल से रहे, 40 साल से कोई एक साल थोड़ी हुआ, हमको रहने नहीं देते, बच्चे देते हमारी पैदा 40 साल से, 90 साल तो हमको ही हो गए इधर रहते रहते, हमको रहने ही नहीं देते ना, हम चाहते हैं कि हमको जगह दे दो। तोड़ो घर, कैसे ऐसे घर तोड़ दे, अभी एक महीना हुआ है ना बना हुआ हमारा, नोटिस किसी ने नहीं दिया, बोला तो पहले नोटिस देना चाहिए तभी टूटेगा, अभी ऐसे नहीं टूटेगा घर, पूरा हटा दो, हम तो पूरा नहीं हटाएंगे, क्या करेंगे, नाली बच्चे हमारे कहाँ जाएंगे और नाली वहाँ पर जा रही तो वहीं से जानी चाहिए, हमारे 20 साल हो गए। रेल विभाग के अमले ने कार्रवाई करते हुए अपनी कुछ जमीन को खाली करवा लिया। झुग्गी वालों ने इस कार्रवाई का विरोध किया है। क्षेत्र में बरसात के पानी की निकासी नाली का निर्माण होना है। भोपाल रेल मंडल के अधिकारी ने बताया कि कार्रवाई नाली के निर्माण करने के लिए की जा रही है। जहां तक नाली का निर्माण किया जाना है वहां तक के कब्जे को हटाया गया है। नाली निर्माण के बाद बरसात का पानी पटरियों पर नहीं आ पाएगा। कॉलोनी में पानी भरने की समस्या है तो इसलिए नाली खुदाई का कार्य शुरू करना है हमें, तो इसलिए अपन नाली खुदाई के लिए मतलब कुछ का कार्य शुरू करेंगे कल से। पान कोई भी नहीं टूटा है, जो भी स्ट्रक्चर इन लोगों ने अभी पिछले एक हफ्ते में जो टीन शेड कुछ बाहर रखे हुए थे तो उन्हीं टीन शेड को इन्हीं लोगों ने इनको बताया, कई दिनों से हम एक हफ्ते से इनको बता रहे हैं कि यहाँ पर नाली खुदाई कार्य करना, तो उन्होंने शिफ्ट किए, सभी को बताया, खाली करने का सवाल ही नहीं है, ये तो बाहर वाला जो पोर्शन है टीन चद्दर वगैरह उसको शिफ्ट कर रहे हैं, बाकी इनको बताया गया तो इन्होंने खुद से ही ये कर रहे हैं। भोपाल में मंत्रालय में चौथी मंजिल पर सरकार के खिलाफ कर्मचारियों ने धरना दिया। इससे पहले मंत्रालय के गलियारों में कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर रैली निकाली। 6 महीने में ही कर्मचारियों का कांग्रेस सरकार से मुंह भंग हो गया है। भोपाल के वल्लभ भवन में कर्मचारियों ने मंत्रालय के गलियारों में सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन किया और धरना दिया। पदोन्नति, समयमान, लिपिकों को शिक्षकों के समान वेतनमान देने और अनुवाद अधिकारी कर्मचारी की ग्रेड 5400 करने के साथ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की नौकरी में आयु सीमा 64 करने की मांग इन लोगों ने की है। अब बात आज के वीडियो वायरल की। आज तक आपने सुना होगा कि ड्राइवर की गलती या दुर्घटना या फिर किसी नेता की रैली की वजह से सड़क पर जाम लग गया। क्या आपने सुना है कि बतकों के कारण सड़क पर वाहन रुक गए हों? इन दिनों बतकों के कारण हुए जाम का वीडियो खूब वायरल हो रहा है और लोग इसका मजा भी ले रहे हैं। भारत में ज्यादातर ट्रैफिक जाम बारिश में होता है या फिर हाईवे पर किसी के द्वारा वाहन बेतरतीब चलाने की वजह से हुए हादसे के कारण, लेकिन क्या कभी बतकों की वजह से जाम लगते देखा है? अक्सर कोई पशु पक्षी सड़क पर आ जाए तो वाहन चालक उसे बचाकर निकल जाते हैं, लेकिन कभी पूरा झुंड का झुंड ही सड़क पर आ जाए तो स्वाभाविक है कि यह ट्रैफिक को प्रभावित करेगा। इससे पहले लोग परेशान भी होंगे, लेकिन तिरुवनंतपुरम में जो कुछ हुआ वो सोशल मीडिया में लोगों को दीवाना कर रहा है। दरअसल केरल में बतकों का एक झुंड सड़क क्रॉस करने निकला और उसकी
वजह से जाम लग गया। यह झुंड इतना बड़ा था कि देखने में बेहद सुंदर नजर आ रहा था। इसे देख लोगों में से एक शख्स ने इसका वीडियो बना लिया और अब यह वीडियो सोशल मीडिया में लोगों को खूब पसंद आ रहा है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए दखल न्यूज, दखल आपके हक में। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक में। From quality education to 100% placement assistance, student gets everything at LNCT University. इसीलिए LNCT University है most trusted name among students. Admissions open for UG and PG. Choose the best to be the best. LNCT University. Log on to lncdu.ac.in.